भारतीय जनता पार्टी के रायपुर शहर जिला की बैठक आज एकात्म परिसर में रखी गई है। यह बैठक दोपहर 2 बजे से होगी। इस बैठक में 3 विधानसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं वे शामिल होने वाले हैं। वे 3 विधानसभा क्षेत्र रायपुर पश्चिम, रायपुर ग्रामीण और रायपुर उत्तर है। इन तीनों ही विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में एक बार फिर जमकर हंगामा और कार्यकर्ताओं की नाराजगी को पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको देखने को मिलेगा, ऐसे आसार जताए जा रहे हैं। इससे पहले जितने भी जिलों के समीक्षा बैठकें की गई हैं सब में जमकर हंगामे हुए हैं। पार्टी के जितने भी कार्यकर्ताओं थे उन्होंने अपनी नाराजगी बड़े नेताओं के प्रति जाहिर की थी और साफ तौर पर कहा था कि कार्यकर्ताओं के मत थे हार का टिकरा जो फोड़ा गया है बड़े नेताओं के द्वारा यह गलत है और इस तरीके से बयानबाजी बड़े नेताओं को नहीं करना चाहिए। यह बैठक वैसे तो पहले हो जानी थी लेकिन जो रायपुर शहर जिला के अध्यक्ष हैं राजीव अग्रवाल, उनके कुछ पारिवारिक कारण थे जिसके कारण यह बैठक कुछ दिनों के लिए स्थगित की गई थी और आज यह बैठक रखी गई है। इस बैठक में जितने भी नाराज कार्यकर्ता हैं उनको मनाने की कोशिश की जाएगी, साथ ही साथ लोकसभा जो चुनाव है उसकी तैयारियों को लेकर भी कुछ बातें की जानी है। फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार अपडेट्स के लिए बने रहें ग्लिप्स.इन के साथ।